स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ये पार्ट थ्री है। इससे पहले तू लोग पार्ट टू में पढ़े हो, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, यानी होल स्क्वायर किसे कहते हैं, पूर्ण एंड होल वर्ग स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह घन भी दो प्रकार का होता है। जैसे पहले उदाहरण से ही समझ लो, एक का घन यानी एक का क्यूब, क्यूब का हिंदी घन, बराबर एक को तीन बार गुना करेंगे यानी एक का पावर तीन होगा ना, क्यूब का अर्थ पावर तीन, तो एक गुने एक बराबर एक। दो का क्यूब, दो का पावर तीन, दो गुने दो गुने दो आठ हुआ, तीन का क्यूब तीन गुने तीन सत्ताईस। दो उदाहरण और लो, चार का घन, तो चार का पावर तीन, चार गुने चार बराबर चार चौका सोलह चौका चौसठ। और अंतिम में एक ठो ले लो पांच का उदाहरण, तो पांच का पावर तीन, पांच गुने पांच बराबर 125। इस तरह हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो एक गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर्स यानी गिनती की संख्या अगर लोगे तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन के रूप में आएगा, तो देखो एक नेचुरल नंबर गिनती की संख्या का सबसे छोटी घन सबसे छोटा क्यूब यानी पूर्ण, सुनो पूर्ण घन एक क्या है, पूर्ण संख्या का क्यूब पूर्ण घन कहलाता है। परिभाषा याद रखो, पूर्ण संख्या का क्यूब, क्यूब का अर्थ पावर तीन, परिभाषा बतला ही दिए हैं। पूर्ण संख्या या गिनती की संख्या का पावर क्यूब हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वह पूर्ण घन संख्या या पूर्ण घन कहलाएगा। किसका, नेचुरल नंबर का क्यूब, याद रहेगी बात। तो एक ओर से लोगे नेचुरल नंबर गिनती की संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह अनंत तक जाओगे तो एक का एक होता है, दो का सीधे आठ हो गया, तो एक और सात के बीच, सॉरी एक और आठ के बीच भी तो संख्या है न जी, तो एक और आठ के बीच की संख्या कितना हो गया, एक और आठ इसके बीच की संख्या, ये संख्या कैसी संख्या है, एक के बाद सीधा दो, पूर्ण संख्या का घन पूर्ण घन कहलाता है। तो ये सब तो पूर्ण संख्या है, पूरा पूरी संख्या है। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, शून्य इसमें जोड़ा जाता है अलग बात है, लेकिन सभी गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्या है ना। तो एक के बाद दूसरा क्यूब यानी पूर्ण एक, पूर्ण संख्या है तो इसका एक, एक के ठीक आगे दो है तो दो का सीधे आठ हो गया, तो एक और आठ के बीच की संख्या दो से लेकर के सात तक ये सब क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा तुमको पूर्ण घन, पूर्ण संख्या का घन पूर्ण घन कहलाता है। तो ये पूर्ण घन कहो या पूर्ण घन संख्या कहो, समझा। फिर दूसरा आठ कहलाएगा, फिर दूसरा के बाद तीन का हो गया सीधे सत्ताईस, यानी आठ के बाद सीधे सत्ताईस हो गया, यानी आठ और सत्ताईस के बीच नौ से लेकर के छब्बीस तक छूटा हुआ है ना। तो आखिर ये जो छूट रहा है जैसे दो से लेकर के सात तक, ये सब घन है लेकिन पूर्ण घन संख्या नहीं है, अपूर्ण घन संख्या है। जैसे पूर्ण वर्ग एक के बाद चार, चार के बाद नौ है ना, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का नौ, तो एक और चार जो है, एक और दो का वर्ग, तो एक और चार के बीच में दो तीन बच रहा है, तो दो तीन क्या है, इधर ये पूर्ण वर्ग है तो बचा हुआ अपूर्ण वर्ग है, लड़का नहीं है तो लड़की है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपूर्ण वर्ग है। घन में क्या होगा, पूर्ण घन, पूर्ण संख्या का घन पूर्ण घन कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या में का घन में आएगा एक के बाद आठ, सीधे आठ, ये दो दूनी चार दूनी आठ, दो को तीन बार गुना करेंगे तब आठ प्राप्त हुआ,
तो एक और आठ के बीच में ये बाकी संख्या क्या हो गया, अपूर्ण घन हो गया। फिर 28 और 27 के बीच के संख्या अपूर्ण घन, समझ रहा बात को। फिर 27 और 64 के बीच लंबा गैपिंग है, तो 27 और 24 के बीच की संख्या है अपूर्ण घन है। अपूर्ण घन का उदाहरण देखोगे, जैसे मान लो रूट टू, इसका घन क्या होगा, तो रूट टू का पावर 3 करेंगे, जैसे रूट टू का घन कितना होगा, तो घन का मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब पावर 3, तो रूट टू का पावर 3 इसको तोड़ेंगे तो रूट टू गुने रूट टू गुने रूट टू, तो ये हो गया 2 रूट टू। तो ये 2 रूट टू किसके किसके बीच की है बोलो तो। ये 2 से आगे और 3 के पहले के दोनों के बीच, 2 एवं 3 के बीच की संख्या है, समझा ना। 2 का वर्गमूल निकालोगे ना तो 1.41, हाँ ऐसे आता है, गुना करोगे तो 3 से कम होगा, इसका मतलब 2√2। एक घन है, क्यूब है, लेकिन किसका क्यूब है, तो रूट टू, ये तो दशमलव में आ जाता है, ये अपूर्ण संख्या का घन है, इसीलिए ये अपूर्ण घन है। तो एक पूर्ण घन या पूर्ण घन संख्या, दूसरा हो गया अपूर्ण घन या अपूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या का उदाहरण तो तुरंत अपने से नेचुरल नंबर का घन करते जाओ, क्यूब लिखते जाओ, लेकिन अपूर्ण घन का उदाहरण देना होगा तो रूट वाला ले लेना, क्या समझ रहा है बात को। अब जैसे 2-4 अगर लगातार अपूर्ण घन बोलना पड़े तो बीच वाला सब बोलते जाना, तो इसको हम लिख देते हैं। अब इसके बाद सीधे एक्सरसाइज प्रारंभ होगा, लेकिन फिर भी कुछ हल्का फुल्का थ्योरी और है, तो एक्सरसाइज में हिसाब बतलाते जाएंगे, इसी में कहीं कहीं कुछ कुछ थ्योरी आता जाएगा। चलो देखो, तो लोग ये दोनों की परिभाषा लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगले पार्ट में, हाँ बोलो, 1.001 ये दोनों में है अंतर हुआ, लेकिन मतलब क्या चीज़, भारी अंतर है, को तोड़ो। ये हो गया दशमलव के लिए 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हुआ 101/10। अब इसमें देखो तो अगर मान लो इसमें हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुना कर दे तब नहीं ना अंतर पड़ेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 101 रुपया को, ऊपर वाला रुपया मान लो 101 रुपया को 1000 आदमी में बांटो, 1010 रुपया को 1000 आदमी में बांटो, तो 1010,000 रुपया को 1000 आदमी में बांटेंगे तो एक आदमी पर अधिक पैसा है, 101 रुपया को 1000 में, 1010 को भारी अंतर है, ये 1001 है, ये 1010 है, 1001 रुपया को दो 1000 आदमी में, तो 1000 आदमी से भाग दो 1001 रुपया में, तो 1.001 रुपया मिलेगा। और ये 1010 रुपया को 1000 आदमी में दो तो 1.01 रुपया मिलेगा, यानी ये रुपया 1010 वाला अधिक है प्रति व्यक्ति, यानी ये अधिक है और ये कम है, इस पे जीरो ने बढ़ा करके उसी पर बढ़ाते हैं। ऐसी किस पर, ये तो कौन बड़ा है कौन छोटा, ये दोनों एक समान नहीं ना है, हर को समान, हाँ हर को समान करो या अंश को समान करो, तो अंश को समान करना थोड़ा टेढ़ा लगे, तो हर को समान कर दो, समझा, इसको समझ गया है। तो अगले पार्ट से प्रॉब्लम्स बतलाएंगे, उदाहरण देना शुरू करेंगे, तो इसको उतार लो अगले पार्ट में।